तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टिकटॉक के नए ट्रेन वीडियो के लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, टिकटॉक पर प्रत्येक कोई ना कोई वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता रहता है। तो दोस्तों आज हम इस टाइप के वीडियो को ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे आपको शूट करना है और कैसे एडिट करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से आपको कैनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं बताता हूँ इस टाइप के वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन से कैनवास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किया था वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, पहले एक्स्ट्रा पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। कैंची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। यदि राइट साइड का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो आपको वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से आप एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर सकते हैं और यहां से आप वीडियो को स्लो मोशन भी कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कलर फिल्टर पर आना है और यहां पर आपको ब्लू कलर से ऊपर आपको ग्रीन कलर मिल जाता है, ग्रीन कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कलर एडजस्टमेंट पर आना है और यहां पर आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद इस पर क्लिक करना है, इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद फिर से हमें बैक कर लेना है। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मीडिया पर आना है। इसके बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, यहाँ पर ब्लैक कलर को आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है और हाँ, यहाँ पे आपको जितने सेकेंड का वीडियो है उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको 10 सेकेंड के आसपास के सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो वीडियो हमने ग्रीन स्क्रीन वाले डाउनलोड किए थे उस वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो हमने ग्रीन स्क्रीन वाले डाउनलोड किए थे तो पहले हमें फायर वाले वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जूम कर लेते हैं। कुछ पार्ट हमारा स्टार्टिंग का एक्स्ट्रा है, पहले स्टार्टिंग के कुछ पार्ट को हमें रिमूव कर देते हैं। तो पहले हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टूल लिफ्ट कर देना है। इससे हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, इसके बाद ट्रिम टू राइट कर देना है, एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। लेयर पर आना, लेयर पर आने के बाद मीडिया पर आना है। इसके बाद मैंने एक फ़ोटो डाउनलोड किया था गूगल से, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसे हमें जूम कर सही तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद साइज हमें फुल कर लेना है। इसके बाद फिर से हमें लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इसके बाद फिर से हमें सेकेंड वाले ग्रीन स्क्रीन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है तो पहले एक्स्ट्रा पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ और सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है, क्रोमा की पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्रोमा की आपको इनेबल कर देना है। यहाँ पे कलर की आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना और इसे हमें रोटेट करके सही तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद फिर से हमें लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। फिर से हमें एक और ग्रीन स्क्रीन मैंने डाउनलोड कर रखा हूँ, उस ग्रीन स्क्रीन को भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो हमारा पहले एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट के पहले हमें ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें पे ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, क्रोमा की इनेबल कर देना आपको, तो यहाँ पे क्रोमा की रिमूव हो जाएगा। इसके बाद इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है और इसे आपको डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद इस पे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद लेयर पे आना है, लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है और इसके बाद जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे फुल साइज इसे कर लेना है। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो पर क्लिक करना है और क्रोमा की को इनेबल कर देना है और यहाँ पर कलर की है जो आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से वीडियो आपको तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में जो साउंड जो है हमारा स्लो हो जाता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है।
ऑडियो फेड आउट को आपको ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर लास्ट का साउंड जो आपको स्लो हो रहा था वो स्लो नहीं होगा। मीडिया पे आना, मीडिया पे आने के बाद इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक कर देना है। इससे हमारा क्या होगा, वीडियो में जो ऑडियो होगा ऑडियो आपको बाहर आ जाएगा। इसके बाद ऑडियो पे प्रेस करके रखना है और लास्ट तक लेकर चले जाना है। इसके बाद जो ऑडियो एक्स्ट्रा है उसे पे क्लिक करना है, इसके बाद ट्रिम टू राइट कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें रिमूव कर देना है। और हमारा वीडियो जो है यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसके बाद डन कर देना है, वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और जो हमारा पे वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पे अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।